अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के टॉप 10 दरगाह सीरीज में हम आपको गुजरात के टॉप 10 औलिया इकराम से रूबरू करवाएंगे। ये गुजरात टॉप 10 दरगाह का सेकेंड पार्ट है, इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसे आप तमाम लोगों ने देखा और अपनी मोहब्बतों से नवाजा। पहले पार्ट में हमने हजरत शाह वजीउद्दीन अलवी गुजराती, पीर महमूद शाह बुखारी, हजरत ख्वाजा जमालुद्दीन शाहदाना, हजरत सैयद मीरा अली दातार, हजरत ख्वाजा महमूद दरियाई दूल्हा, हजरत मूसा सुहाग सुहरवर्दी, हजरत बुरहानुद्दीन कुतुब आलम, हजरत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू, हजरत मखदूम शहीद बावनगंज दरगाह किम कोठवा और सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे नामवर वली अल्लाह का जिक्र किया है। तमाम लोगों ने कमेंट में बताया कि इसमें गुजरात के बहुत से बुजुर्गों का जिक्र नहीं है और पार्ट टू बनाने के लिए कहा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गुजरात के कुछ और अजीम हस्तियों से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ख्वाजा मोहकमुद्दीन सैरानी धोराजी गुजरात। हजरत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सैरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक गुजरात जिले के राजकोट के धोराजी शहर में मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम सुल्तानुल औलिया शहंशाह सौराष्ट्र हजरत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सैरानी कादरी ओवैसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपने हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक कुद्दूस सिरोह के दस्ते हक पर बैत व खिलाफत हासिल की। आपके दो मजार अकदस हैं, एक हिंदुस्तान में है और दूसरा मजार अकदस आपका पाकिस्तान में मौजूद है। हजरत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सैरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत सैयदना ख्वाजा वैशकनी रदी अल्लाह ताला अनहु की रूहानियत से फैज हासिल किया है, इसीलिए आप वैशी कहे जाते हैं। आप सैर व सियाहत खूब फरमाते थे। आपकी उम्र शरीफ का ज्यादातर हिस्सा सैर व सियाहत में ही निकला है, इसीलिए आप सैरानी यानी सैर करने वाले के लकब से मशहूर हुए। हजरत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सैरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 5 रबीउल आखिर को मनाया जाता है, जिसमें अहले गुजरात के तमाम जायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हजरत बाबा मान दरियाई मलंग बड़ौदरा गुजरात। हजरत बाबा मान दरियाई मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक बड़ौदा के बाबा मानपुरा इलाके में मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपका असल और मुकम्मल नाम हजरत सैयद अकमल हुसैन उर्फ बाबा मान शाह मलंग दरियाई दीवानगान रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपने सैयदना सदन सरमस्त मलंग मदारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपना पीर मुर्शिद बनाया और उन्हीं के दस्ते हक पर राह सुलूक की मंजिलें तय की। आज भी आपके आस्ताने पर फैज का दरिया जारी है। अहले बड़ौदरा आपके फैजान से मालेमाल हो रहे हैं। आप यमन के शहजादे थे और राह खुदा के लिए तमाम ऐशो आराम को तर्क कर दिया और दावत व तबलीग के लिए हिंद की जमीन पर तशरीफ लाए। हजरत बाबा मान दरियाए मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 8 शाबान को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम जायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। रिजकुल्ला शाह बाबा कोडिनार गुजरात। हजरत रिजकुल्ला शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक गुजरात जिले के गिर सोमनाथ के कोडिनार इलाके में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम हजरत सैयद अब्दुल कादिर सालिस मोहियुद्दीन उर्फ रिजकुल्ला शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपके पैदाइश से मुबारक 987 हिजरी बा मुताबिक 1579 ईस्वी को बगदाद शरीफ में हुई। हजरत रिजकुल्ला शाह बाबा का सिलसिला नसब 14 वास्तों से होता हुआ महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मिलता है। आपके आस्ताने को यह अजमत और शर्फ हासिल है कि औलाद गौसे आजम और खानकाह कादरिया की एक अजीम हस्ती यहाँ आराम फरमाने की बदौलत इस कोडिनार शरीफ को छोटी बगदाद और गुजरात का बगदाद भी कहते हैं। हजरत रिजकुल्ला शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 4 रबीउल आखिर को मनाया जाता है, जिसमें आपसे मोहब्बत रखने वाले तमाम जायरीन शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। दवल शाह पीर जामनगर गुजरात। हजरत दवल शाह पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक गुजरात के जामनगर के ढोलका में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम हजरत शाह अब्दुल लतीफ दारुल मुल्क उर्फ दवल शाह पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप हम सभी रसूल सैयदना सिराजुद्दीन शाह आलम सरकार के बड़े नाम और खुलफा में से हैं। आप बारगाह शाह आलम में वजू कराने और पानी गर्म करने की खिदमत पर फाइज थे। आपके वालिद मलिक कुरैशी थे जो सुल्तान महमूद बेगड़ा के उमरा में से थे। जब आप सुल्तान महमूद बेगड़ा के उमरा में शामिल हुए तो आपको दावरुल मुल्क का खिताब अता हुआ। बावजूद दुनियावी शान शौकत के आप हमेशा इस्लाह नफ्स और इबादत इलाही में मशरूफ रहते। हजरत दवल शाह पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 13 जिलकात को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले लोग शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। पीर अर्जुन शाह आनंद गुजरात। हजरत पीर अर्जुन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक
गुजरात जिले के आनंद के पेटलाड में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपका असल नाम शहनशाह पेटलाड सैकुल मशाइख हजरत सैयदना अब्दुल अजीज उर्फ अर्जुन शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप शोरवर्दी सिलसिले के हिंदुस्तान में सबसे पहले खलीफा हैं। आपके पीरो मुर्शिद हजरत शहाबुद्दीन उमर शोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हजरत सैयदना अब्दुल अजीज का उर्स मुबारक 17 रजब को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले मुरीदीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हजरत बाबा गौर भरूच गुजरात। हजरत बाबा गौर का आस्थाना मुबारक गुजरात जिले के भरूच के रतनपुर कस्बे में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम हजरत शेख मुबारक नोबी और बाबा गौर रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपकी पैदाइश अफ्रीका सूडान में हुई। आप दीन की तबलीग के लिए हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आपका सिलसिला नसब हजरत बिलाल हवसी से मिलता है। आपके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत इस्माइल बिन सिद्दीक जबरूती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपको सिलसिलाए रिफाइया शोरवर्दिया की भी खिलाफत हासिल थी। आज भी आपके आस्थाने आलिया पर करामातों का नुजूल होता है। हजरत बाबा गौर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक 15 रजब को मनाया जाता है, जिसमें अहले गुजरात के तमाम जायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। दादा महावली सरकार पाटन गुजरात। हजरत दादा महावली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना मुबारक गुजरात के पाटन जिले के गोतरका शरीफ में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम हजरत शेख सैयद मुहब्बे अली रंगरी सुल्तान मदारी उर्फ दादा महावली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप सिलसिला मदारिया के अजीम बुजुर्ग हैं। आपका सिलसिला नसब महज एक वास्ते से होता हुआ हजरत सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार से मिलता है। आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपके आस्थाने आलिया पर आज भी जिंदा करामातों की कई निशानियां मौजूद हैं, जिसमें लकड़ी का पत्थर में बदल जाना, सांप का लकड़ी का हो जाना, पेड़ का लोहे में बदल जाना और घड़े का लोहे में बदल जाना, ये तमाम करामाते आज भी आपके आस्थाने पर मौजूद हैं। आपके आस्थाने आलिया पर एक लंगर 500 सालों से आज भी जारी है, इसीलिए आपको लंगरी सुल्तान का भी लकब मिला है। आपका उर्स मुबारक 15 से 17 जिलकादा को मनाया जाता है, इसमें आपके चाहने वाले अहले हिंद से तमाम जायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हाजी किरमानी ओखा गुजरात। हजरत हाजी किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना मुबारक गुजरात के ओखा बेट द्वारका के एक टापू पर मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम हजरत सैयद हाजी दाऊद किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपकी पैदाइश मुबारक के सबब किसी पुख्ता तारीख का इम्कान न हो सका। आपने सिलसिला मदारिया के अजीम बुजुर्ग हजरत सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते अक पर बैत हासिल की। समुद्र के टापू पर बना आपका यह आस्थाना बहुत ही खूबसूरत है। आज भी यहाँ नूर की बारिश का नुजूल होता है और एक अजीब सा सुकून और खुशी इस आस्थाने पर मिलती है। हजरत सैयद हाजी दाऊद किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक 7 से 9 जिलहज को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम जायरीन शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हाजी पीर कच्छ गुजरात। हजरत हाजी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना मुबारक गुजरात के जिले कच्छ के हाजी पीर इलाके में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपका असल नाम हजरत सैयद अली अकबर जकरिया उर्फ हाजी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपको कच्छ का गरीब नवाज भी कहा जाता है। आपकी पैदाइश पाकिस्तान के मुल्तान में हुई। आप हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आल से हैं। आपने महज 12 साल की उम्र शरीफ में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। आप भैंस चराने का काम करते थे। भैंसों को जंगल में छोड़कर आप याद इलाही में मशगूल हो जाया करते थे। शाम होते ही भैंसें आपके पास वापस आ जाया करती थी। आप एक शहीद वली हुए हैं। आपने राह खुदा में अपनी जान कुर्बान कर दी और शहादत के जाम को नोज फरमाया। आपके जिस्म और सर मुबारक के अलग अलग मज़ार मौजूद हैं। आपके उर्स में हजारों लोग पैदल सफर करके आपके उर्स में पहुंचते हैं और आपके आस्थाने से फैज हासिल करते हैं। ख्वाजा कुतुब महमूद पंचमहल गुजरात। हजरत ख्वाजा कुतुब महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना मुबारक गुजरात जिले के पंचमहल के करंता शरीफ में मौजूद है। आपका मुबारक नाम गौसुल हिंद कुतुब रब्बानी हजरत सैयद ख्वाजा कुतुब महमूद कादरी शोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपकी विलादत बासादात 647 हिजरी मुताबिक 1249 ईस्वी को हुई। आपका शजरा तरीकत महज 23 वास्तों से होता हुआ हजरत मौला अली वजहुल करीम से मिलता है। आपका शुमार गुजरात के कदीमी बुजुर्गों में किया जाता है। आज भी आपके आस्थाने आलिया पर
फैज का दरिया जारी व सारी है। हजारों की तादाद में आज भी जायरीन आपके आस्थाने आलिया पर हाजिरी देकर फैज हासिल करते हैं। हजरत कुतुब महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक 24 शाबान को मनाया जाता है, जिसमें अहले हिंद के तमाम जायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, ये थे टॉप 10 दरगाह सीरीज के पार्ट 2 गुजरात के वो अलिया इकराम जिनको आपने इस वीडियो में देखा है। गुजरात के टॉप 10 दरगाह का पहला पार्ट इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी उसकी लिंक लगा दी जाएगी। इंशाल्लाह आप वहां से जा करके आप पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इसमें से किस बारगाह की जियारत की है।